वास्तव युद्ध में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के हजरत हमजा हुसैनी दरगाह के मोहल्ले के लोग आक्रोश पर आ गए हैं। ये आक्रोश इसलिए आ गए हैं, 3 महीने से यहाँ पर इस दरगाह पर आजू बाजू पर जहाँ भी देखो वहाँ पर बिजली नहीं है। संबंधिता किसी मल्लू यानी के किसी ये लाइट का बिजली का काम करने वाले को 3 महीने से यहाँ के मोहल्ले वाले समझा रहे हैं, मगर आज कल चलते चलते पूरे 3 महीने खत्म हो गए। यहाँ पर मोहल्ले के लोग यहाँ पर इस मस्जिद में यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आ जाते हैं, वो भी अंधेरे में आना पड़ता है। हम आपको इस वीडियो बता रहे हैं, जैसे देखो बैटरी लगा लेकर आ रहे हैं, जैसे कोई आधी रात में आ रहे हैं। ये तो वक्त सिर्फ 7:30 बज गए थे जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब तो यहाँ पर 3-3 महीने से अगर यहाँ पर बिजली नहीं आती तो आसपास के लोग कैसे यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान इस दरगाह के आते हैं, मगर कैसे आ सकते हैं। बिजली तो नहीं है, मगर बिजली वालों की लापरवाही 3 महीने से चलता ही रहा है। पहले तो बिजली के बारे में तो यहाँ के मोहल्ले के लोग ये कंप्लेंट किया था कि इसमें करंट आ रहा है, यानी कि बिजली लग रही है। किसी को अगर धोखा हो गया, अगर किसी को ये बिजली यानी कि करंट लग गई, मौत भी हो सकता है। ऐसा कहने के बाद मोहल्ले के लोगों को बात सुनकर यहाँ पर बिजली वाले ने आकर यानी कि कोई एक कामगार था आकर ये बिजली कट किया और चला गया, 3 महीने से लापता हो गया। अब यही एक आक्रोश लेकर इस मोहल्ले वाले यहाँ पर आ गए हैं। अगर लाइट अगर बिजली यहाँ पर अगर खंभों में अगर बिजली नहीं लग गई तो आते दिनों में बिजली के प्रशासन के विरोध आंदोलन पर उतर आएंगे यहाँ के मोहल्ले के लोग। अब तो यहाँ पर नमाज भी अंधेरे में ही कर रहे हैं, यहाँ पर दरगाह को आने वाले लोग अंधेरे में ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखेंगे अगले एपिसोड में अगर ये यहाँ पर बिजली आ जाती है या नहीं, या फिर आंदोलन कर जाते हैं बिजली के प्रशासन के विरोध। देखेंगे एक रिपोर्ट में।
कितने दिन हो गए बिजली ना आ गया? 3 महीने हो गया कट करके वो चले गए, इसमें अर्थिंग आ रहा था। 3 महीने से अब तक नहीं आया? नहीं आया, अब तक नहीं आया। उनको 1 महीना हुआ कंटिन्यू फोन लगा रहे हो, अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। उनका नाम है मन्ना, बिजली प्रशासन का जो अधिकारी है उनका नाम मन्ना है। यहाँ करीब में आके काम करके जा रहे हैं मगर हमारे पास आके काम नहीं कर रहे हो। मेन लाइन को 8 दिन पहले मेन लाइन के काम किए, बाद में दरबार स्कूल के पीछे मन्नत के घर के पास भी आके वर्क करके चले गए वो लोग। वहाँ जाके बोले तो मैं अभी आ रहा हूँ बोल के बोले, अभी तक आने का पता नहीं उनका। कितने बजे नमाज पढ़ते हैं? ये सुबह 5:30 बजे, कभी 5 बजे आना पड़ता फजर में, जहाँ पूरा पूरा रात रहती है, 10-12 लोग आते हैं फजर के अंदर। उसके बाद रात में 8:30 बजे वो नमाज होती है, वहाँ भी अंधेरा है। अब तक कौन, 3 महीने से अब तक कौन नहीं कर? कोई भी नहीं आए, कुछ कट करके चले गए, अभी तक उनका कोई पता नहीं आता नहीं। हम सब लोग बहुत परेशान में हैं करंट की वजह से। 3 लाइट चले गए यहाँ के, टोटल 3 लाइट, तीनों में अब तक करंट नहीं, करंट तीनों में करंट नहीं है। उनको बोला है तीनों करंट चले गए, एक ये मेन खंभा एक है, बाद में वहाँ एक बेन गिड़ा के पास एक है जहाँ पर रात में लेडीज आना जाना बहुत है उनका, वहाँ तो अब चोरियाँ भी हो रहे हैं ऑलरेडी, अभी करंट नहीं है वहाँ पर। हमने तो हजरत हमजा हुसैनी दरगाह का तो एक रिपोर्ट, बिजली का तो आपको बता दिए हैं। फिर से एक रिपोर्ट नागर बौड़ी, विजयपुर शहर के नागर बौड़ी मोहल्ले का, वहां पर भी यहां पर बिजली के तार पूरे पेड़ में छुप गए हैं, मगर ना जाने कब अर्थिंग हो जाएगा और ना जाने कब किसकी मौत यहां पर हो जाएगी। इस मोहल्ले के लोगों को यही एक खौफ डर सता रहा है। शायद यहाँ के लोग इन बिजली के अधिकारियों को समझाए भी होंगे, यहाँ के वीडियोस उनको सेंड भी किए होंगे, क्यों आखिर आकर इतनी लापरवाही पर आ गए, क्यों आकर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अपनी कर्तव्य। अगर यहाँ पर अगर कोई बिजली लगकर अगर कोई यहाँ पर एक व्यक्ति हो या महिला हो, छोटे मोटे बच्चे यहाँ पर आते जाते रहते हैं, अगर किसी को कुछ हो गया तो इनकी ही लापरवाही होगी, यानी कि बिजली की अधिकारियों की ही लापरवाही से यहाँ पर कुछ ना कुछ मौत का घटना घट जाएगा। यहाँ पर तो लोग संभल कर तो चल रहे हैं, मगर कर्तव्य निभाने वाले बिजली के अधिकारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। यहाँ तो अब तो बारिश का माहौल में तो ऐसा हो गया है, अगर अर्थिंग से कहीं किसी को बिजली लग गई, यहाँ पर मौत हो गया, तो विजयपुर शहर में आंदोलन तो ही कर जाएंगे, मगर मर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, आ जाएंगे पुलिस वाले, फिर तहकीकत करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, FIR करेंगे, यही होगा, मगर जो मरे हुए व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते। ऐसा होने के बाद बिजली प्रशासन तो इसी पर मालूम हो जाता है कि कितनी लापरवाही है। अगले एपिसोड में हम बिजली के अधिकारियों की ऐसे ही एक रिपोर्ट आपके सामने जरूर लाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में।